राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है, सुख तो कभी नसीब नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्यागी की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। हे महाराज, पूर्वव्रती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस सर्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा। तदनंतर सहदेव ने कहा, हे भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है, वह तो हमारे शत्रुओं को हो, किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है, वह हमारे हितेशी मित्रों को मिले। दो अक्षरों का मम अर्थात यह मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु है, और तीन अक्षरों का ना मम अर्थात यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। हे महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसीलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। हे राजन, वन में रहकर वहाँ के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है, वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं, वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसीलिए दुख में ना जाने क्या क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें, मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है, वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण ही कहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए, तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, हे महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते, क्यों? ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, हे बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे
उस समय बड़े बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणित हो जाएगा। हे धर्मराज, यदि यही करना था तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कही? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे, सत्य पुरुषों का पालन करे और युद्ध में कभी पीठ न दिखावे। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी दान देता और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी ना तो शास्त्र सुनाने से मिली है, ना दान में, ना आपने किसी को समझा बुझा कर इसे हड़प लिया है, ना यज्ञ में प्राप्त किया है और ना भीख मांग कर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसीलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। हे महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रांच द्वीप हैं, उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में क्रोच द्वीप के समान ही जो शाक द्वीप है, उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से उत्तर और जो शाक द्वीप के बराबर ही भद्रा शव द्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है। इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंत द्वीप हैं, समुद्र लांघकर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप संपन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। हे महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली, वे सर्वज्ञ है और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था, हे पंचाल राजकुमारी, राजा युधिष्ठर बड़े पराक्रमी हैं, ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे, किंतु आज आपका मुंह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। हे राजन, आप मंधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत वन तथा दीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 95, अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन और भीम का युधिष्ठर को राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयास।
वैशंपायन जी कहते हैं, द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठर की आज्ञा ले अर्जुन फिर कहने लगे, हे राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है, इसीलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है, इसीलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है, इसीलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के ही भय से पाप नहीं करते। दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलती है। बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा ना करता तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। यह उच्छल मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है, इसीलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे वाणी से अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है, किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है, उसी को दंड कहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। बिना भय के ना कोई यज्ञ करता है, ना दान देता है और ना प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य और विश्वदेव, ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने माथा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में कुछ ना कुछ हिंसा का संबंध हो ही जाता है। जो विधाता का विधान है उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता। हे महाराज, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार आपको वार्ताव करना चाहिए। पानी में बहुत तेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो, परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है। कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है। मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं। अतः ऐसे जीवों की हिंसा से कहां तक बचाव हो सकता है। सबसे जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है। सबसे संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि ना होता तो सब जगह अंधेर मचा रहता। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है। चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का वर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे, इस उद्देश्य से ही विधाता ने दंड का विधान किया है।
यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते ना होते तो वे पशुओं मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को भी खा जाते। चारों ओर धर्म कर्मों का लोप हो जाता और सारी मर्यादाएं टूट जाती। इतना ही नहीं, जिनमें विधि पूर्वक बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं वे संवत्सर यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पड़ने का डर ना होता तो रथों में जुते हुए ऊंट बैल घोड़े खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामी का तथा बालक माता पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है मनुष्यों का। यही लोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दंड देने का सुंदर विधान है वहाँ छल पाप और ठगी नहीं देखने में आती। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए दंड की कितनी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सब के सब गुण ही हों अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। प्रत्येक कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती है। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे, हे राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि ना बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं। आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं, भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुने, मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति अन्योन्या आश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के लिए शोक करता है वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में ना वाणों का काम है, ना मित्र और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी मैं कह नहीं सकता। हाँ, उसे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप दादों का राज्य चलाइए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा दीजिए। हम सब लोग आपके दास हैं। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 96, युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मुनि वृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे भीम,
असंतोष प्रमाद मद राग अशांति बल मोह अभिमान तथा उद्वेग इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है, इसीलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। हे भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी ही धधकती क्यों ना हो, उसमें ईंधन ना डाला जाए तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो। यह आजकल बहुत बढ़ गई है, पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। हे भीमसेन, तुम मनुष्य के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीस कर या दांतों से ही चबा कर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। वहां तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता नहीं काम देती। एक ओर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कर्तार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ ना करो, आशा तथा ममता ना रखो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते, फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, प्रत्ययान और देव्ययान। सकाम यज्ञ करने वाले प्रत्ययान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षि गण तप ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य परपंच को देखता है, वही आँख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध अर्थात निश्चय कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, हे महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं एक दिन राजा जनक पर मूर्ता सवार हुई। वे धन संतान स्त्री नाना प्रकार के रतन तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर
रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, हे राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जो खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राज धर्म के विरुद्ध है। यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि देवता ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है। मैं तो समझती हूँ आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसीलिए देवता अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागनी कौसल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? हे महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल शैया सवारी वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बारंबार दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा ना रहे तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राणी की पुष्टि होती है, इसीलिए अन्न देने वाला प्राण दाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मुड़ मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर ना हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचाने वाले मंथ मुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्म परायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक जी ने सन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक जी संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे,
काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभिष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दोनों प्रकार के शास्त्रों को जानता हूँ तथा मुझे कर्मा अनुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शस्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो, शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं तुम्हारी तरह, तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भात्र स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है, उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्म में और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में भी कोई नहीं है, किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है, यह बात जिस तरह समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्रा पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोक कर अविवेक जनित अज्ञान से छूट कर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं, और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिवर्चनीय है, अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं। वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्विज्ञ है, किंतु हे अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तत्व ज्ञान और त्याग से इस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 97, महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना।
वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए। हे अजात शत्रु, आपने धर्म अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इसे आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। हे राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की चार सीढ़ियां हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है, अतः आपको इन्हें कर्म से ही पार करना चाहिए। आप अभी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है, अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। हे राजन, अविक्षित के पुत्र राजा मृत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र जी का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था। उससे वे पुण्यों के भागी हुए और शोक रहित हो गए। इसीलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। हे राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा जी का अपने अंतःकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मनाता तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं। कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को। कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई सन्यास को और कोई दान को। कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान जी के ध्यान में मगन रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्र उत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचलता, ये ही प्रधान धर्म है और ऐसा ही स्वयं भूव मनु ने भी कहा है। हे राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे, प्रिय और अप्रिय में समान रहे, यज्ञ अनुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करे, शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को
धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्म अनुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राज लक्ष्मी सौंप कर वन में चला जाए। वहां भी वन के फल मूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार वर्ताव करता है वही धर्म को जानने वाला है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्यदान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि जी का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, हे राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? हे महाराज, आप शास्त्र धर्म का विचार कीजिए, क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है, तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म हैं, दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है, आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं तथा आपने शास्त्र धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है, अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था, उसने पाप प्रायण 99 जातियों का वध किया था, लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है, अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक ना करें, वे सब वीर तो शास्त्र धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 98, महर्षि व्यास जी का शंख लिखित और राजा हयग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास जी कहने लगे, हे सौम्य, अर्जुन का कथन बहुत ठीक है, गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। हे धर्मज्ञ, तुम शास्त्र अनुसार सब धर्म का ही आचरण करो, तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितर, अतिथि और सेवक, इन सब का निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है, अतः तुम इन सब का पालन करो, पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है, इसीलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है, इसीलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। हे राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम,
ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। क्षत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्या, अभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट ना होना, दंड देना, दब दबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्य उपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के ये सब कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों ही में सफलता देने वाले हैं। इनमें भी दंड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। हे राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राज ऋषि सुद्युमन ने दंड धारण के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। तुम ध्यान देकर सुनो, शंख और लिखित नामक दो भाई थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए देववश। उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहां के वृक्षों से बहुत से पके हुए फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे। इतने ही में शंख वहां आ गए। उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, हे भैया, तुम्हें ये फल कहां से मिले? इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हंसते हंसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से ही तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है। इसीलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर कहो कि हे राजन, बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया है। इसीलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुद्युमन के पास गए और उनसे बोले, हे राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसीलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुद्युमन ने कहा, हे विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रणाम मानते हैं तो क्षमा करने का भी उसको अधिकार है ही, अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूँगा। परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया। उसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए। इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझ मंदमती को क्षमा करें। शंख ने कहा, हे भैया, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ। तुम तो धर्म को जानने वाले हो। तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले जाना।